हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बॉय टाई बताने वाले हैं। देखिए, इस तरीके की बॉय टाई हम किस तरीके से बनाएंगे। ये हमने पहले एक बनाई हुई है और ये हमने कपड़ा लिया है, तो इसी तरीके की देखिए हम ये बॉय टाई बनाएंगे। तो जिसके लिए हमने कपड़ा लिया है, कपड़े की जो लंबाई ली है वो हमने 21 इंच ली है। आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और इसकी 3 इंच से 3.25 इंच हमने चौड़ाई ली है। तो सबसे पहले देखिए, इस कपड़े को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है दो लेयर में, और यहां से इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से थोड़ी तिरछा लेंगे इसको यहां से, और अब इसे सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई को हटा देंगे। अब इधर से भी इसी तरीके से लेंगे। देखिए, इस तरीके से लेनी है, बिल्कुल ऐसे चौकोर नहीं करनी है, थोड़ी तिरछी लेनी है। इसी तरीके से इस कॉर्नर से लेंगे। और फिर इसे सीधा से लेंगे। यहां से करीब 2 से 2.5 इंच गैप छोड़ देंगे और इस धागे को कट कर देंगे। और अब देखिए, इसे सीधा करेंगे। यहां से हम इस कपड़े को कट नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये साइड सीधी हो चुकी है। इसी तरीके से हम इस वाली साइड को सीधा करेंगे। ये जो हमने बीच में गैप रखा था उसमें से इसे निकाल लेंगे। देखिए, यहां से इस तरीके से, और इसे अच्छे से इसकी नोक निकाल लेंगे। अब देखिए, ये हमने दोनों तरफ से अच्छे से सीधा कर लिया है, और यहां पर सिलाई लगाएंगे इसको। इसी तरीके से अंदर की तरफ कर लेंगे इसको। जब ऐसे पकड़ेंगे तो इसकी शेप खुद ब खुद मुड़ जाएगी, जितनी हमने इसमें कपड़ा पहले ही सिलाई में दबा है। अब देखिए, ये इस तरीके से बन चुका है, और इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और यहां पर इस तरीके से नॉट लगाएंगे। अब देखिए, इसी तरीके से ये हमने बांध लिए हैं। ये अच्छे से बन चुकी है, सेम इसी तरीके से ये बनाई थी। और देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें, ये आसानी से खुल भी जाती हैं, और ये हमें सुई धागे के साथ अटैच करनी होती है किसी फ्रॉक पे या गाउन पे, जहाँ पर भी आप लगाएं। इस तरीके से पकड़ेंगे और इसमें हल्की सी नॉट लगाएंगे और इसे अच्छे से सेट करेंगे इस तरीके से। अभी देखिए, इसी तरीके से हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। ये थोड़ी चौड़ी और बड़ी पट्टी थी, ये थोड़ी छोटी पट्टी थी। आप जितनी बड़ी इसे बनाना चाहते हैं, जिस तरीके की, इस हिसाब से बना लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएँ, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।